दुर्भाग्य की बात है कि घटना के 5 दिन बाद भी 4 फरार हैं। पुलिस जब अपनी पाती है तो गिरफ्तार कर लेती है, कहीं ना कहीं ढील है पुलिस के काम में। और घटनाएं चाहे छपरा की हो, संधावली की हो, यहाँ हो, दोबारा इस जिले को वहीं ले जाना चाहते हैं कुछ लोग जहाँ से जिला शांति की तरफ लौटा। बहन बेटी की इज्जत के साथ इस जिले में ना कोई स्वीकार कर सकता, कोई बदतमीजी अपमान, किसी भी कीमत पर हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये तो सामाजिक हत्या है, ये लोग हत्यारे हैं। रासुका की कार्रवाई हो और जेल से बाहर ये लोग ना आ पाए, यही प्रशासन से अनुरोध है, निवेदन है, क्योंकि पहल इनकी है पुलिस की और प्रशासन की, इस हरकतों को रोकें, यहाँ ठीक माहौल रहे, जिम्मेदारी इनकी है। आपको नहीं लगता मंत्री दोनों घटनाओं के बाद मुजफ्फरनगर में एक बार फिर तनाव की स्थिति? निश्चित रूप से तनाव की स्थिति है और लोगों से अनुरोध ही किया है कि एक मौका इन्हें दें, अगर अपने काम में विफल रहते हैं तो दूसरा मौका पुलिस प्रशासन को बिल्कुल नहीं। पंचायत की भी घोषणा की गई थी, क्या कुछ इस बारे में क्या कहेंगे? बस मैं तो ये अनुरोध करने आया था कि 3 दिन का समय लोग ले लें, अगर ये चाहेंगे तो 3 दिन में गिरफ्तारी हो जाएगी, नहीं तो अपना निर्णय लेंगे और जनता फिर अपने तरीके से। तो 3 दिन तक अगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, गिरफ्तारी नहीं की बाकी आरोपियों की, तो पंचायत क्या महापंचायत बुलाई जाएगी? 3 दिन बाद एक बार गाँव के सब लोगों से बात करेंगे बैठ कर, उसमें निर्णय लेंगे, निश्चित रूप से कड़े कदम उठाएंगे अगर गिरफ्तारी न हो।